हमारे पास यहाँ क्या है? कैंडल्स, रोज पेटल्स, एक स्पार्कलिंग रोज का ग्लास। हाँ, इसे भरो। आप अपने टब में बैठे हो सकते हैं, लेकिन आपके इंस्टाग्राम के पोस्ट के हिसाब से आप अपना दिन स्पा में बिता रहे हैं। ओह, ये तो सबसे ज्यादा आरामदायक है। हाँ, पर सच तो ये है कि आपका हमेशा बाथ टाइम सेशन हमेशा एक मास्क से और शॉवर कैप कॉम्बो से भरा होता है। ये अंडर आर्म्स तो मुझे बहुत समय से करने थे और इन लातों के बाद हम अंगूठों पर आ रहे हैं। काम पर इतने लंबे दिन के बाद लड़कियों के साथ एक बड़े वाइन की ग्लास के अलावा और कुछ अच्छा नहीं होता। क्या मैं सही हूँ? मैं इतने सारे लाइक्स और कमेंट्स अभी से देख सकती हूँ। मैं हमेशा से बोलती हूँ, ज्यादा मेहनत तो ज्यादा फल, पर वैसे ज्यादा मेहनत करूँ मैं थक गई हूँ। घर जाओ और मिठाई के साथ एक बड़ा वाइन का ग्लास एंजॉय करो। शुक्रिया, तुम ही हो हेली। ये सबसे बढ़िया बुधवार की रात है। ये जेट सेट लाइफ तो बिल्कुल असली है और मैं बस अपनी छुट्टियां मनाने बहुत अच्छी जगह पर जा रही हूँ। वाह, इन बादलों को देखो, क्या सूरज डूब रहा है, बहुत सुंदर। हे, एक मिनट रुको, तुम घर पर हो और एक टॉयलेट सीट से देख रही हो, और ये तो स्टेकेशन का आइडिया है, नहीं? वाह, तुमने तो पहले से 20 लाइक्स दे दिए, पागलों। आज रात के खाने में क्या है? ऐसा लगता है कि कोई बहुत अच्छा खाना खा रहा है। वो बस एक मैगजीन से फोटो है और सही एंगल से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि एक 5-स्टार मील नहीं बल्कि तुमने अपने मुंह को जो मिला उससे भर लिया है। ओहो हेली, ये बहुत हुआ, आराम से खाओ। ओह, ये बहुत बेकार है। ओहो दोस्त, तुम बहुत ठूस रही हो। ओहो, ऐसा लग रहा है कि तुम रात को ग्रोसरी स्टोर पर गई हो और यहाँ पर लगता है कि कुछ असलियत है। कोई बात नहीं, और ये वक्त है दुनिया को दिखाने का कि तुमने कितना वजन कम किया ओह या फिर बढ़ाया। क्या? ओह विकी, रो मत। ओह, तो तुमने कल रात फ्रेंच फ्राइज ज्यादा खा लिए थे। ओह, क्या ये जादुई स्केल है? विकी ये कैसे कर रही है? वो अपने फॉलोअर्स को ट्रिक करने का तरीका, पर तुम्हें अपने वजन के बारे में झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम जैसी हो तुम वैसी अच्छी हो, पर यहाँ पर थोड़ा कभी कभी झूठ बोलना बुरा नहीं। क्रॉप टॉप्स आजकल चल रहे हैं और इसका मतलब है कि तुम्हारे पास एक परफेक्ट पोस्टर और फ्लैट टमी होना चाहिए। खैर, इंस्टाग्राम के हिसाब से। हे भगवान, क्या तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं? अब ये ज्यादा असली है। हर लड़की के पास बेली रोल्स होते हैं, तो उन्हें अच्छे से लेके घूमो, पर हाँ, शायद उन्हें पोस्ट ना करो। हो, उठो और चमको। हाँ, मैं ऐसे ही उठती हूँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ मेरे ब्यूटी रेस्ट की वजह से होता है। जरा देखो तो, विकी के बाल तकिए पर कितने सही लग रहे हैं। ठीक है, मेरे मॉर्निंग पोस्ट हो गए, अब वक्त है काम पे जाने का। मैं ऐसे उठती हूँ। क्या ख्याल है कि ऐसा बनने के लिए मुझे 2 घंटे लगे? हेली, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम सिक्स पैक बना रही हो? वैसे ये बहुत सारे सिटअप्स करने से तो बहुत आसान है। अगर आपको परफेक्ट फिटनेस सेल्फी चाहिए तो ये सही ट्रिक है। ओह, तुम्हारा वर्कआउट तो बहुत ज्यादा थकाने वाला लगता है, कह सकते हैं। ओह, मेरे भगवान, ये तो बहुत असली दिखता है हेली। और सच्चाई तो ये है, क्या दुनिया में कुछ क्रंचेस से भी बुरा है? ओहो, ये तुम्हें कल पता चलेगा। क्या मैं कभी इससे पीछा छुड़ा पाऊंगी? मैं तुमसे पीछा क्यों नहीं छुड़ा पाती? वाह विकी, तुम्हारा आई मेकअप तो बहुत सुंदर है। तुम्हें ये करने में कितना टाइम लगता है? तुम इसे बहुत आसानी से कर लेती हो। मेकअप सेल्फीज बहुत कलात्मक दिखती हैं और इन पर बहुत सारे लाइक्स आते हैं।
वाह, ये आँख तो बहुत सुंदर दिखती है। और ये है ट्यूटोरियल वर्थी। पूरा चेहरा करने की क्या जरूरत है जब तुम्हारे पास एक आँख है। इंस्टा पर फोटो डालने के लिए सही एंगल चुनना बहुत ही आर्ट का काम है। ओ, थोड़ा इधर झुकना और थोड़ा सा उधर, सर को थोड़ा टेढ़ा करना। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्या यहाँ पर कुछ और ऐसा है जिससे ये फोटोज बहुत अच्छी दिखे? मुझे इन्हें और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? ओहो, मैं इस लड़की को पहचान भी नहीं पा रही। जब आपके पास इतने अच्छे घुटने हो तो आपको पुशअप ब्रा पहनने की क्या जरूरत है? काम किया विकी, तुम्हारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स को तो ये भी नहीं पता कि इतनी सारी सेक्सीनेस के साथ क्या किया जाए। क्या कभी आपने सोचा है कि वो सुपर फिट लड़कियाँ हैंड स्टैंड करके कैसे फोटोज खिंचवाती हैं? सच में ये कैसे काम करता है? शायद ये दीवार मदद करे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और सच तो ये है कि योगा में हेड स्टैंड करने के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस की और समय की जरूरत पड़ती है। ओ, अब तो ये तो बहुत अच्छे हैं। तुम तो बहुत देर से ऐसे ही खड़ी हो। ठीक है, क्या इसका सीक्रेट जानना है? जब कोई आपकी तस्वीरें ले रहा हो तो आपके पास एक और इंसान है जो आपकी लातों को पकड़ रहा है। बस ये ध्यान रहे कि वो फ्रेम में ना आए। ओहो, किसको पता था कि हेडस्टैंड इतने थकावट वाले होते हैं? हमारे सबके साथ ऐसा होता है। फ्राइडे की रात को घर पर रहना और अपना इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना। ओहो, क्या मुझे कभी प्यार मिलेगा? या फिर मेरी किस्मत में सिर्फ अपनी कैट के साथ सोफे पर बैठना लिखा है? चिंता मत करो हेली, हमने तुम्हें ढक लिया। और अपने फॉलोअर्स को ऐसा दिखाओ कि तुम अपने बॉयफ्रेंड की बाहों में हो। ओह, इसमें थोड़ा सा पागलपन दिखाने में शर्मिंदा मत हो। हाँ, ये बहुत अच्छा था। हे, मुझे लगता है कि ये लड़का देखा देखा है। ये तो विकी थी, कितने अच्छे दोस्त है। आखिरी वाली तो बहुत असली दिख रही है। फ्रीकी। ओ, इस प्यारे से कपल को देखो। ऐसा लगता है कि बस ये स्टीमी डेट से आए हैं। इतने प्यारे जूते। वैसे हे, ये बस तुम हो विकी? तुम तो खुशी से सिंगल हो दोस्त। ठीक है, तो देखो, हम सबको पता है कि इंस्टाग्राम हमेशा सच नहीं होता और कभी कभी हम इसकी मदद ना करते हुए फोटो ट्रिक्स करने लग जाते हैं और हमेशा सच्चाई दिखाना बहुत मुश्किल होता है। पर ये ध्यान रहे कि हम लोग सब इंसान हैं जो अपनी जिंदगी को शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों और फैमिली के साथ। तो इंस्टाग्राम को आसानी से लो और इसके बारे में इतना ज्यादा मत सोचो, क्योंकि कभी कभी रियलिटी ज्यादा अच्छी होती है आपकी इंस्टाग्राम लाइफ से। देखा जो मैंने कहा? क्या आपको एक कंपाइलेशन पसंद आया? तो हमारे 123 Go के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी मजेदार क्लिप्स और वीडियोस मिस ना करें।